पोर्न देखना अपराध है भी और नहीं भी। पोर्न देखना अपराध उस श्रेणी में है जब आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, या फिर आप पोर्नोग्राफी कुछ वैसी देख रहे हैं जिसमें किसी का शारीरिक शोषण हो रहा है, तो वो भी अवैध है। या फिर आप किसी पार्टनर के साथ देख रहे हैं और उसको जबरन इस तरह की कोई चीज़ आप दिखा रहे हैं, वो नहीं देखना चाहता है, जो एडल्ट मटेरियल है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये अपराध की श्रेणी में आती हैं और ये आईटी एक्ट में कवर होती हैं। और आईटी एक्ट में जो 67 इसकी धारा है, 67 है, 67A है, 67B है, इन सब में अलग अलग प्रोविजन है इसको लेकर। और 5 साल से 7 साल तक की सज़ा का इसमें प्रावधान है। 10 लाख रुपए का जुर्माना भी आप पे हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो बताता है कि आपने उसको जबरन पोर्नोग्राफी दिखाने की कोशिश की, या पाया जाता है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी आपने किसी और व्हाट्सएप मैसेज पे या फेसबुक पे या पर्सनल मैसेज में किसी को शेयर की है, तो ये तमाम चीज़ें हमारे देश में जो है वो अपराध की श्रेणी में आती हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे, अपने मोबाइल पे पोर्न देख रहा है अकेले में, तो वो हमारे यहाँ अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। और अगर आप अपने पार्टनर के साथ भी उसकी सहमति से देख रहे हैं तो वो भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। इसके अलावा अगर आपने अपने लैपटॉप, मोबाइल या कंप्यूटर में इस तरह की कोई सामग्री रखी भी हुई है तो भी वो अपराध की श्रेणी में तब तक नहीं आती जब तक कि आप इसको किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं भेज रहे हैं। अगर आप किसी को भेज रहे हैं तो ये कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। ये माना जाता है कि न्यूड या अश्लील वीडियो जो आप या फोटो कोई है और उसको अगर आप भेज रहे हैं तो वो गैर कानूनी है हमारे देश में। यहाँ तक कि जो सेक्स कहानियाँ हैं वो भी पोर्नोग्राफी का हिस्सा मानी जाती हैं, और माना जाता है कि इनको भी अगर कोई प्रकाशित कर रहा है या अपलोड कर रहा है तो वो भी हमारे देश में अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन अगर इसे कोई पढ़ रहा है, जो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है उसको अगर कोई देख रहा है, पढ़ रहा है, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आती है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी व्यक्ति अकेले में अगर पोर्न देख रहा है, तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े हुए वीडियो अगर हैं या शारीरिक शोषण से जुड़े हुए वीडियो हैं और उसने वो अगर रखे हुए हैं तो ये अपराध की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा पोर्न देखने का, जैसे आप सब लोगों को पता होगा कि मिनिमम एज जो है वो 18 साल है, यानी कि एडल्ट कोई भी इस तरह का मटेरियल देखने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, और इससे कम उम्र के अगर आप हैं तो ये सब नहीं देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर, तो जो आईटी एक्ट है वो तो लगता ही लगता है। इसके अलावा पॉक्सो की जो धाराएं हैं वो भी उस व्यक्ति पर लगती हैं जिसने चाइल्ड पोर्नोग्राफी को किसी दूसरे को अगर भेजा है, तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। जब ख़ासतौर से अगर आप पोर्न देख रहे हैं तो आप अपराधी ना बन जाएं, इस चीज़ का पूरा ख्याल रखें। Thank you.